तो दोस्तों, जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस आप देवता लोग इतना समझ जाइए कि आप लोगों के समंदर से भी गहरे प्यार की वजह से मैं सीरीज को लाने के लिए मजबूर हो गया। व्यूज का क्या है, इस सीरीज पर ना सही अगले पर आ जाएगी। मायने बस यह रखती है कि आप लोगों का प्यार वो कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं और भी ज्यादा देरी ना करते हुए। पर उससे पहले एक छोटा सा वार्निंग, अगर आप बच्चे हो तो प्लीज चैनल पर और भी कई सारे अच्छी अच्छी सीरीज है तो आप उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, जिसको देखना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी दूसरी सीरीज को जाकर देखिए, ये कहानी केवल बड़ों के लिए है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डिवाइनरी के मारे जाने के बाद लेडी सियोक ने जोंग से डरकर अपने बॉडीगार्ड हो को छायाभूत की जगह पर भेज दिया था, ताकि वे लोग जोंग को मारने के लिए किसी दूसरे डिवाइनरी को भेजे, जिसके चलते उन लोगों ने अपने एक आदमी को जोंग के पीछे भेज दिया था। तो अब आगे सुबह सुबह चैन थका हुआ जोंग के कमरे के बाहर आते हुए कहता है, कल सारी रात मैं जागता रहा और अब मुझे मौका मिला है सोने के लिए, तो उस ब्रैट ने मुझे दूसरे काम के लिए भेज दिया। इतना बोलकर चैन के रूम में जाकर कहता है, आप जो चाहते थे मैं वो लेकर आ चुका हूँ। साथ ही वह सोच रहा होता है, भले ही वह मुझसे अच्छी तरह बात करता हो, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से मुझ पर हुकुम चलाता है। आगे वो कहता है, आपने मुझे यह लाने के लिए क्यों कहा था? जोंग बताता है, क्योंकि मुझे कुछ जलाना था। इसी के साथ वह उन दोनों किताबों को दिखाता है, जिसके चलते चैन घबराते हुए कहता है, क्या कुछ भी? आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जोंग बताता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि यह योनमक हाउसहोल्ड का सीक्रेट बुक है। चैन जिस पर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप यह जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? पर जोंग उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उन किताबों से कुछ पन्नों को फाड़ता है और उसे आग में डाल देता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है, यह इविल का दूसरा लेवल है, आखिरकार मैं सीक्रेट बुक को कैसे जला सकता हूँ। वही दूसरी तरफ चैन की तो आँख से आंसू ही निकल चुके होते हैं। वो रोते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपने ये क्या कर दिया? मैं जानता हूँ आप मार्शल आर्ट को नहीं जानते, पर फिर भी आपको पता भी है इस सीक्रेट बुक के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। आप जलाने के बदले उससे कुछ बेहतर प्राप्त कर सकते थे। तो जोंग उसी बुक से उसे पीटते हुए बताता है, इसीलिए तो मैंने उन पन्नों को जला दिया। इस तरह मैं इस सीक्रेट बुक को केवल अपने तक रख सकता हूँ। चैन जिस पर भड़कते हुए कहता है, क्या आप इस सीक्रेट किताब को केवल अपने तक रखना चाहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? तो जोंग बताता है, मैंने इसे याद कर लिया है और अब यह मेरे दिमाग में है। चैन जिस पर फिर से हैरान हो चुका था, वह जोंग आगे बताते हुए कहता है, खैर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। सूरज उगते ही उस किताब को लेडी सियोक और यून प्योंग को सौंप देना, क्योंकि जैसे कि तुमने पहले कहा, हर कोई इस सीक्रेट किताब के पीछे पड़ा है, तो एक फैमिली का हिस्सा होने के कारण मुझे इतना तो करना ही चाहिए। इससे हमारे बीच का प्यार वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो सुनता हुआ चैन बेचारा वो तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगले सीन में हम सर जैम को देखते हैं, जो कि बता रहा होता है, मैं हर रोज जल्दी उठता हूँ और अपने बिस्तर को ठीक करने के बाद जल्दी अपने कपड़े बदलता हूँ, फिर मैं अपने घर के आसपास सफाई करता हूँ, फिर मैं अपने पूरे दिन के काम को देखता हूँ। जब से मैं हथियारा हूँ तब से यही मेरा रूटीन है, पूरी तरह रेगुलेट और प्लांट लाइफ। लेकिन जल्दी अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं दूसरे बेटे के साथ सफलतापूर्वक अपने तालमेल को बैठा लेता हूँ तो मैं एक पावरफुल फैमिली का एल्डर बन जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि मानो यह कल ही की बात है, जब मैं जन्म से अनाथ एक असासिन था। यह याद है, ये सब सोचता हुआ वह खुश हो ही रहा होता है, तभी उसके पास एक सर्वेंट आकर बताता है, सर जैम, लॉर्ड प्योंग आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर कि वो भी सोच में पड़ गया था कि आखिरकार इतनी सुबह सुबह पर क्यों। लेकिन ज्यादा ध्यान इस पर ना देते हुए जब वह प्योंग के पास पहुंचता है तो कुछ ही समय बाद हम किसी के चिल्लाने और एक जोरदार धमाके को देख पाते हैं। बाद में जब सर जैम बाहर निकलता है तो उसका सर फट चुका था और वह काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में सोच रहा था, हराम खोर कहीं का। इसी के साथ हम कुछ समय पहले उस कमरे में देखते हैं क्या हुआ था। जब सर जैम प्योंग के सामने पहुंचा तो उसे पता चला कि इलसैंग वो गायब हो चुका है। आगे प्योंग बताता है, मैंने उसे भेजा था यह कन्फर्म करने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जिस पर सर जैम पहले तो अपने मन में कहता है, यह नहीं हो सकता। बाद में वो चिल्लाते हुए बताता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था माय लॉर्ड, जरूर कोई दूसरी प्रॉब्लम रही
रही होगी। जो सुन प्योंग उसे एक जोरदार हिट को देते हुए कहता है, अपने इस गंदे मुंह को बंद कर ले, अगर ऐसी बात होती तो वह वापस क्यों नहीं आया, क्या तुम मुझे मूर्ख समझता है। सर जैम जिसको सुन सोचता है आखिरकार ये हालात इस तरह कैसे बदल गए, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं हारने वाले साइड में चला गया हूँ, क्या इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की थी, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इतना सोचने के बाद वो कहता है, माय लॉर्ड मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा और यह साबित कर दूंगा कि ये सारी चीजें झूठ है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। प्योंग जिस पर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, पर आखिरकार मैं तुम पर भरोसा क्यों ही करूं। तो सर जैम बताते हैं, मैं अपने पूरे जीवन भर के मार्शल आर्ट को लेकर शपथ लेता हूँ, अगर मैं असफल रहा तो आप मेरे दाहिने हाथ को काट देना। जो सुन प्योंग वो थोड़ी देर तक शांत रहकर सोचने के बाद कहता है, चलो ठीक है दिखाओ मुझे आखिरकार तुम कर क्या सकते हो, पर याद रखना तुम्हारे पास केवल 4 घंटे हैं। इस बीच यदि तुम हिलसेन को लाने में नाकामयाब रहे तो इसकी कीमत में मैं तुम्हारे दाहिने हाथ को नहीं लूंगा बल्कि तुम्हारे सर को लूंगा। जिस पर सर जैम कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर कि वह जोंग के घर के पास पहुंचकर सोच रहा था, अगर मैं अब थोड़ा सा गौर से सोचता हूँ तो उस नकली आदमी के आने के बाद कुछ भी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसीलिए संभावनाएं कम है, पर अगर वह इन सारी चीजों के पीछे रहा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इतने में ही वह अपने सामने चैन को देखता है जो कि अभी भी नींद में था और वह भी सर जैम को वहां पर देख हैरान हो ही रहा होता है। तभी सर जैम कहते हैं, हराम खोर कहीं के मैंने तुमसे कहा था एक पल के लिए भी उस नकली के ऊपर से अपनी नजरों को मत हटाना, लेकिन तभी तुमने इसे मजाक में लिया। तो चैन बताता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर जैम जिस पर पूछता है, फिर आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, अब मुझे यह मत बताना कि तुम भी उसके साथ मिल चुके हो। तो चैन बताता है, नहीं मैं उसके साथ नहीं मिला हूँ। आगे वो कुछ बोल पाता उसी समय सर जैम का ध्यान उसके कपड़ों में छिपे सीक्रेट बुक की ओर जाता है, जिसको देखता हुआ वो कहता है, आखिरकार ये है क्या। जिस पर चैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप वो मुझे वापस दे दीजिए। पर जैम जब उस किताब के टाइटल को पढ़ता है तो उसके होश उड़ चुके थे, इतना कि अब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम लोग आपस में मिलकर करने की क्या कोशिश कर रहे हो। उसके इतने भयानक गुस्से को देख चैन की तो मानो दुनिया ही पलट चुकी थी, क्योंकि हम केवल चिल्लाने और लात घूसों की आवाज को ही सुन पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सर जैम चैन को घसीटता हुआ जोंग के पास लाकर उसके कमरे में पटक देता है, जिसकी हालत अब अधमरी हो चुकी थी, पर जोंग उसे देखते हुए बिना किसी रिएक्शन के कहता है, वेलकम सर जैम। तो सर जैम कहते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन करो। साथ ही वो सोच रहा होता है, इस हरामखोर के चेहरे को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो बुरी किस्मत वो मेरे पास आ रही है। पर तभी जोंग कहता है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो सर जैम दरवाजे को बंद कर उसे बताता है, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो कीड़े कहेंगे, मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था, अगर तुम कुछ भी मजेदार करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें उसी समय मार डालूंगा, इसीलिए अब जल्दी से बकना शुरू करो। पर जोंग भाई साहब वो कहता है, आखिर तुम बात किस बारे में कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जो सुन जैम की तो और भी ज्यादा होश उड़ चुके थे। बाद में वो कहता है, हरामखोर कहेंगे तुमने प्योंग के बॉडीगार्ड के साथ क्या किया है, अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। जोंग जिस पर कहता है, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं जो मैं एक मास्टर को छू भी सकूं, उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। जो सुन जैम बेबस होते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मुझे यह बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। इतने में ही जोंग उसे बताता है, मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ, मैंने तो अपने मार्शल आर्ट को खो दिया है, फिर मैं आखिर उसे कैसे मार सकता हूँ, और आखिर में ये बात तो आपको भी पता है। जो सुन जैम उसी समय को याद करता है जब उसने प्योंग को बताया था, लॉर्ड जोंग ने वर्तमान में अपनी मार्शल आर्ट को खो दिया है, इस कारण से जोंग के ना सहमत होने के बावजूद भी उसे सारी चीजें समझ आ जाती है, क्योंकि यह बात उसने केवल प्योंग के सामने कहा था। फिर जोंग इसके बारे में कैसे जानता है, इसलिए अब वो उससे और भी सवाल ना पूछते हुए सीधे उस पर गालियां देते हुए अटैक कर देता है। लेकिन जोंग वो तो अभी भी हंसते हुए बोल रहा था, अरे बाप रे सर जैम आप ये कर क्या रहे हो, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका पूरी जिंदगी कुत्ता बनकर रहूंगा, प्लीज मेरी जिंदगी को बख्शिए। जो सुनता हुआ जैम वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुका था, पर उसका खंजर जब तक जोंग के पास पहुंचता तब तक काफी देर हो चुकी
चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सच में जंग को मार डाला है, पर सिचुएशन बिल्कुल ही विपरीत थी। वह उल्टा जमीन पर पड़ा हुआ हांफ रहा था और बता रहा था, 3 साल मैं जन्म से ही अनाथ था और एक हत्यारे के रूप में बड़ा हुआ। बाद में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और समय लगाकर बड़ी ही मुश्किल से इस घर में प्रवेश किया और 3 सालों तक सभी गंदे कामों को कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारे लिए लॉर्ड जोंग को मारना काफी नहीं था जो तुमने लॉर्ड पियोंग के दाहिने हाथ हिलसोंग को भी मार डाला? अब तुम्हारी बारी है मेरे हाथों मरने की। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर रहा तो आखिर में मर ही जाऊंगा, इसीलिए अंत में तुम्हें मारना और यहाँ से चले जाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बोलते हुए वह एकदम से ही शांत हो गया था। और रुको, हमारे पास एक और रास्ता है। हिलसोंग मर चुका है तो भले ही हम उसे वापस ना ला सके, पर इसके बदले मुझे नहीं पता यह तुम्हारे हाथ कैसे लगा, लेकिन अगर तुम इसके खोए हुए पन्ने दे देते हो तो हम बच सकते हैं। बताओ यह तुम्हारे पास ही है ना? यह सब बोलता हुआ वह सोच रहा होता है, चलो मैं बच गया। पर तभी जैम कहता है, मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर है। तो जैम उसे समझाता है, देखो तुम सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, अगर तुमने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारे गला को काट दूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे इसके फटे हुए पन्ने दे देते हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। इसीलिए दिखावा करना बंद करो कि तुम इसके बारे में ही नहीं जानते। जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें अकल्पनीय टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम मुझे दूसरा फटा हुआ हिस्सा नहीं दे देते। बाद में मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो मेरी सलाह है इसे अभी मुझे सौंप दो। मेरे पास अभी भी थोड़ा सा सब्र बचा है, लेकिन पता नहीं यह कब तक ऐसे ही रहेगी। जो सुन, जोंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें यह दे दूंगा। जिस पर जैम सोचता है, भले ही वह टफ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर कोई अपने मौत के सामने घुटने टेक ही देते हैं। इतना सोचने के बाद वह कहता है, चलो अब जल्दी करो। तो जंग उसकी हाथों की ओर थोड़ी देर तक सीरियस होकर देखने के बाद उसके हाथों पर अपने हाथों को रख देता है। बाद में उससे कहता है, ले लो यह मेरे दिमाग में है, लेकिन उससे पहले धन्यवाद सर जैम। इतना बोलते हुए वह अपने अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट कर देता है, जिसके चलते सर जैम की सारी एनर्जी वह जंग के अंदर जाना शुरू हो चुका था। वहीं सर जैम इसे रोकने में नाकामयाब अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा था, जबकि जंग वह तो भयानक तरीके से हंसते हुए बोल रहा था, मैं सोच ही रहा था कि अब मैं दूसरी बार इसका इस्तेमाल कहां पर करूं, पर आपने तो खुद ही खुद को मेरे सामने वॉलंटियर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। शुक्रिया सर जैम, आपके लिए मेरे दिल में आसमान से भी ऊंचा सम्मान रहेगा। जिस पर सर जैम किसी तरह वह उस पर अटैक करते हुए कहता है, कमीने मुझे जल्दी से छोड़ दे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसी के साथ वह उस पर कई सारे अटैक को करता है और उसे काफी ज्यादा जोरदार हिट के साथ पीछे दीवार की ओर फेंक देता है। बाद में चैन की सांस लेते हुए सोचता है, मैं अपने हाथों में कोई भी इंटरनल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने सच में इसे पूरी तरह से सोख लिया है? इतने में ही जोंग कहता है, मैं फर्स्ट रैंक के एक मार्शल आर्टिस्ट से इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें अकेले हराना काफी नहीं होगा, लगता है मुझे इसमें थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी और तुम्हें मारने के एक तरीके को ढूंढना पड़ेगा। जो सुनता हुआ जैम वो और भी ज्यादा पागल हो चुका था और उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम हरामखोर कहेंगे, थोड़े से मामूली ट्रिकों को सीखकर क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार सकते हो? इसी के साथ वह जैसे ही जोंग के पास पहुंचने वाला होता है, तभी जोंग आवाज लगाता है, डीमन सेज, और जैम रुक जाता है। हम देख पाते हैं वह हैरानी में सोच रहा था, ये सब हो क्या रहा है? इतना सोचने के बाद वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फिर से ऐसे खेल को खेलने की? जिस पर जोंग कहता है, ओह तो तुम्हें यह एक खेल लग रहा है, ठीक है तो मुझे अपने चालों को दिखाने दो। इतना बोलते हुए वह डीमन सेज को उसके सामने विजिबल कर देता है, जिसको देखता हुआ जैम वो पूरी तरह से डर चुका था। वहीं जंग बताते हुए कहता है, चलो अब मुझे अपने इनर पावर को दोबारा सोखने की अनुमति दो। इतना बोलते हुए वह अपने खंजर को सीधे जैम के सीने के आर पार कर देता है, जिससे घबराया हुआ जैम वो तुरंत ही पीछे हटते हुए सोचता है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसने मेरे ही खंजर को मेरे ही बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट भाग में मारा है, अगर मैं अभी इसे निकालता हूँ तो बहुत ही ज्यादा खून बहने के कारण मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। वो आखिरकार कैसे इविल स्पिरिट को कमांड और इनर पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है? मैं मूर्ख था जो उसके जैसे इतने खतरनाक पर्सन को यहाँ पर लेकर आया। हालांकि इतना बोलते हुए वह जंग से कहता है, क्या तुम जहर के बारे में भूल चुके हो? ऐसा बोलते हुए वह सोचता है, अब समय आ चुका है मेरे ट्रम्प कार्ड को दिखाने के। जिस
जिस पर जोंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है बताओ तुम क्या चाहते हो। जैम कहता है, चलो एक डील करते हैं, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें एंटीडोट और पैसे दोनों ही साथ दे देता हूँ ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर सको और यहाँ से बाहर निकल सको। ये सब बोलता हुआ वह सोचता है, अभी मुझे धैर्य से काम लेना होगा, बाद में मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। पर इतने में ही वह खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, मानो उसके सभी ऑर्गन वो अंदर से फट रहे हो। वही जोंग चुपचाप उसे देखे जा रहा था, जबकि जैम अपनी ऐसी हालत को देखता हुआ सोचता है, ये सब हो क्या रहा है, मैं अपने क्यूआई फ्लो को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, साथ ही मेरी बॉडी भी कमजोर पड़ती जा रही है, क्या मुझे पॉइजन दिया गया है। इतना सोचने के बाद वह बोलता है, आखिरकार तुमने मेरे साथ किया क्या है। तो जोंग बताता है, कुछ खास नहीं, जब तुमने अपने खंजर को मेरे शरीर में डाला था तो उसमें मेरा खून लग गया था। जिस पर जैम कहता है, हाँ तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जोंग बताता है, मेरा ब्लड वह पॉइजनस है। ये सब बोलता हुआ वह उसे काफी ही लंबी चौड़ी भाषण देता है। बाद में वो कहता है, क्या तुम समझ रहे हो, तुम्हारा एंटीडोट मैं मर रहा हूँ, मतलब मैं आप लोगों को सीधे तौर पर समझा देता हूँ। जोंग का बोलने का मतलब यह है कि अगर मेरे अंदर डाले गए पॉइजन का एंटीडोट अगर तुम्हारे पास है तो मैंने जो अभी तुम्हारे अंदर पॉइजन डाला है उसका एंटीडोट केवल मैं ही जानता हूँ, इसीलिए अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। पर जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जोंग बस जैम को डराने के लिए ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जोंग के बॉडी पर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। खैर जोंग की बातों को सुनने के बाद जैम वह उससे भीख मांगते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जीना है, इसीलिए मैं अपनी वफादारी का शपथ लेकर कहता हूँ, अगर तुम मुझे अपने पैर चाटने के लिए या फिर रेंगने के लिए भी कहोगे तो मैं ऐसा करूँगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो और मुझे बचा लो, मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी तुम्हारे गुलाम बनकर रहूंगा। उसकी ऐसी बिलबिलाते चेहरे को देखता हुआ जोंग वो थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद हंसते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। जिस पर जैम वो खुश हो चुका था, पर जोंग उसे आगे बताते हुए कहता है, हालांकि अगर तुम शुरुआत से ही ऐसे रहते तब। इतना बोलते हुए वो अपने खंजर को पकड़ता है और उसे बेरहमी से घुमाते हुए आगे बताता है, तुम्हारे जैसे लोग कुत्तों से कंपेयर नहीं किए जा सकते, वो कम से कम अपने मालिक के प्रति सच्चा वफादार तो होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, इसीलिए अब अपने सुकून से भरी मौत को एक्सेप्ट करो और परलोक में जाकर शांति से रहना। यानी कि जैम अब वो खत्म हो चुका था। बाद में जोंग कहता है, चलो अब ये खत्म हुआ, जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था वह पहले से ही मुझे मारने का प्लानिंग बना रहा था, लेकिन क्या मुझे अब इसे भी मार देना चाहिए। नहीं सर, जैम को सेक्रेट बुक के बाकी के हिस्सों के बारे में नहीं पता था, इसका मतलब है कि उसने अभी तक अपने मुंह को नहीं खोला, शायद वह मेरे लिए फ्यूचर में और भी ज्यादा काम का हो सकता है। इतना सोचने के बाद वह जैन के पास जाकर कहता है, अगर तुम हिल सकते हो तो जल्दी उठो और खड़े हो जाओ। जो सुनते ही जैन वो तुरंत ही जागते हुए कहता है, यस सर। बाद में वो कहता है, आपको कैसे पता था कि मैं जाग रहा था। तो जोंग बताता है, जब हम लड़ रहे थे तो तुम धीरे धीरे एक एक इंच करके आगे बढ़ रहे थे, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगा। मैंने देखा था तुम कोने में लुढ़क रहे थे ताकि हम में से कोई तुम पर पैर ना रख दे। जिस पर चैन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब आगे आपको और बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जोंग बताता है, खैर ऐसा लगता है कि तुम सीक्रेट को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो अब तुम बाहर जाओ और आसपास के लोगों को यहाँ से दूर भेज दो, मैं यहाँ पर सर जैम के बॉडी का ख्याल रख लूंगा। जो सुन चैन ठीक है कहकर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। वही जोंग सोच रहा था, अब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इतना सोचने के बाद वह उसके नाभि पर अपने हाथों को रखते हुए सोचता है, मैं महसूस कर सकता हूँ उसके गर्म इनर पावर को अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हुए, लेकिन यह तुरंत ही गायब होती हुई जा रही है। पर फिर भी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं बस यह सोच रहा हूँ कि मैंने जो बेसमेंट में ठंडी निराशाजनक एनर्जी को महसूस किया था आखिरकार वो था क्या। वह बिल्कुल ही सेम फीलिंग थी जब मैंने लोगों को मारा था डेथ की तरह। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ठंडी एनर्जी बिना स्कैटर हुए मेरे की सेंटर को बना रहा हो। अगर हाँ तब तो यह सेम फीलिंग है जब मैं साइकिक डीमन के रूप में लोगों को मारता हूँ। इसका मतलब है अगर मुझे और क्यूआई चाहिए तो मुझे और लोगों को मारना होगा। वही दूर खड़ा रेड डीमन सेज से कहती है, क्या तुम देख रहे हो मॉन्क, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम आखिरकार इसमें कैसे घर
घसीटे गए। वह एक दानव है। उसके इतना बोलते ही हम अगली सुबह प्योंग के घर को देखते हैं, जहां पर कि फर्स्ट रेट का एक गार्ड उसे बता रहा होता है। मुझे लगता है कि सर जैम वो सच बोल रहे थे। तो प्योंग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह गार्ड जो कि सुन बोलता है, फिर आपने उसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया? तो प्योंग बताता है, अगर तुम लोगों के साथ शुरुआत से ही अच्छे व्यवहार करोगे तो वे खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है। इसीलिए मुझे उसे दिखाना था आखिर मैं कितने दूर तक जा सकता हूँ। बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना क्षमाशील हो सकता हूँ। देखना वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि जब लोगों की बात आती है तो सबसे अफेक्टेड चीज होती है क्रूरता के बाद अच्छे बनना, ताकि वे तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी ना सके। जिस पर वह गार्ड कहता है, सच में माय लॉर्ड आपकी अंतर्दृष्टि वो तो बहुत अच्छी है। प्योंग जो कि सुन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। तो वह बंदा बताता है, नहीं मेरे शब्द सच्चे थे। साथ ही वह सोच रहा होता है, सर जैम वह बहुत ही कम वफादार आदमी है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो उसके जैसे लोगों के लिए इस तरह का टेस्ट बिल्कुल ही सही है। रही बात लॉर्ड प्योंग की, तो उनकी रेपुटेशन अपने लोगों में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगला हाउस मास्टर उन्हें ही बनना चाहिए। इतने में ही कोई दूसरा बंदा वहाँ पर भागते हुए आकर बताता है, कुछ भयानक घटित हुई है। उन्होंने बताया कि सर जैम लॉर्ड प्योंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनते ही ये दोनों ही बहुत ही बड़े शौक में चले गए होते हैं। बाद में प्योंग कहता है, वह अपने बेगुनाही को साबित करने के लिए इस तरह के बेवकूफी से भरे तरीके को क्यों आजमाएगा? जल्दी से बताओ मुझे, जोंग से ऑटर बिल्डिंग पर पूछे गए सवालों पर उसने क्या बताया? तो वह गार्ड बताता है, उन्होंने आपका नाम लिया है। आप ही थे जिन्होंने की ऑर्डर दिया था सर जैम को लॉर्ड जोंग को मारने के। जो सुनते ही प्योंग की तो पूरी दुनिया ही पलट चुकी होती है, और वह बड़े ही भयानक गुस्से में कहता है, जोंग। तभी उसका गार्ड कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो पूरी तरह से बेतुका है। मुझे बताओ सर जैम उन्होंने क्या कहा? जिस पर वह बंदा बताता है, सर जैम वो गायब हो चुके हैं। जो सुन प्योंग को तो और ही बड़ा झटका लगता है, और उसे शायद सारी चीजें समझ आ गई होती है। तो वह तुरंत ही अपने शॉट को बाहर निकाल कर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दे सकता। तो पीछे से रोकता हुआ उसका गार्ड बताता है, माय लॉर्ड रुक जाइए, अगर आप अभी लॉर्ड जोंग को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बस उनकी गवाही को और मजबूत करेगा। जिस पर प्योंग कहता है, तो क्या तुम चाहते हो मैं बस यहाँ पर बैठ कर देखता रहूं, ताकि लोग मुझे इतनी मुश्किल में देख कर हंस सके? जो सुन वह गार्ड कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कहता है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? मेरा मतलब है कि जैसा कि लॉर्ड जोंग ने कहा है, सर जैम ने उसे मारने की कोशिश की थी। यदि यह सच है तो यह समस्या बड़ी ही आसान हो चुकी है, क्योंकि सर जैम उन असासिनों में से एक है जो कि लोगों को मारने में गर्व महसूस करते हैं। साथ ही वे एक सख्त नियम का भी पालन करते हैं, तो आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। इतना बोलते हुए वह उसे काफी कुछ बताता है, जिसको मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यानी कि वे लोग सर जैम जो गायब हो चुके हैं उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जोंग के कहे अनुसार सर जैम ने प्योंग के कहने पर उसे मारने की कोशिश की थी। यानी कि यह एक असासिन के लिए मिशन था जो कि जिंदा बचने के कारण फेल हो चुका है। तो अब ये लोग चाहते हैं कि सर जैम पहले जिस असासिन ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि जोंग युआन के तीन सबसे पावरफुल असासिन ग्रुपों में से एक फ्लाइंग असासिन है, उसे कॉन्टेक्ट करे और इसके बारे में बताए, ताकि वे सर जैम को ढूंढे या फिर जोंग को मार डाले। उसकी बातों को सुनता हुआ प्योंग कहता है, फ्लाइंग असासिन, इंटरेस्टिंग। अगले सीन में हम रात के समय देखते हैं, जहाँ पर कि जोंग कल्टीवेशन करते हुए सोच रहा होता है, सीक्रेट किताब के हिसाब से मैं की सेंटर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कई बार फेल हो चुका। यहाँ तक कि मैं अपने QI सेंटर के चारों तरफ QI को फैलाता हूँ, तब भी यह काम नहीं करता। आखिर मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ? ये सब सोचने के बाद वह चैन को आवाज लगाता है और अंदर बुलाने के बाद उससे पूछता है, मैं अपने QI सेंटर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार इसमें फेल होता जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? जो सुन चैन बताता है, ओह तो ऐसी बात है। साथ ही वो सोच रहा था, क्या बात है, जो कल तक मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो एक रात में मार्शल आर्ट को सीख कर इसे सर्कुलेट करना भी स्टार्ट कर दिया। कचरे तुम तो सच में लाजवाब हो, पर मैं उसे ऐसा नहीं बोल सकता, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। इसीलिए वो कहता है, माफ करिएगा माय लॉर्ड, पहले मुझे खुद से चेक करना होगा कि आखिरकार कहां पर गलत हो रहा है, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ यहाँ पर आइए। इतना बोलते हुए वह फिर से सोचता है, किसी भी कारण से मैं उसके दूसरे साइड में नहीं जाना चाहता, वो फिलहाल के लिए अभी बच्चा है
है तो उसके लिए सब कुछ जानना वैसे भी नामुमकिन है। इसी के साथ वो बताता है, मुझ पर ध्यान मत दीजिएगा, बस अपने की सर्कुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। जो सुनजोंग बिल्कुल ही वैसा ही करता है और हम देख पाते हैं उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो चुका था, जिसे देखते हुए चैन कहता है नामुमकिन। उसके की आई फ्लो यह तो कमाल की है। इसके अलावा उसके क्यू आई सर्किट में कोई भी वेस्ट नहीं है, जो कि केवल वही मास्टर हासिल कर सकता है जो हर रोज अपने इंटरनल हीलिंग पर काम करता है। लेकिन यह बच्चा सच में इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। फिर आखिरकार दिक्कत कहां पर है? मुझे बस एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ ठंडा और डरावना। ये सब बोलता हुआ वो तुरंत ही अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। बाद में वह जोंग से कहता है, मुझे लगा था कि यह स्कैटर हो जाएगा, क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है माय लॉर्ड? जिस पर जोंग कहता है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? क्या मैं इस तरह अपने क्यूआई सेंटर को बनाने में नाकामयाब रहूंगा? चैन बताता है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो हाँ, मैंने आपके नाभि के पास किसी अजीब एनर्जी को महसूस किया है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जोंग जिसको सुन कहता है, तो प्रॉब्लम वह ठंडी एनर्जी है, क्या इस कारण से मुझे मार्शल आर्ट को छोड़ना होगा? तभी चैन बताता है, अगर मैं इसके बारे में और सोचता हूँ तो यह जरूर किसी सामान्य क्यूआई सर्कुलेशन से निकली एनर्जी नहीं है, जरूर यह कुछ अलग ही है। जोंग जिस पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, तो चैन उसे बताते हुए कहता है, यह बस मेरा अनुमान है, तो प्लीज ज्यादा इस पर मत सोचिए। तो जोंग वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, यदि लाइफ क्यूआई वह गर्म होती है तो जरूर डेथ क्यूआई वह ठंडी होगी। इतना सोचने के बाद वह चैन से कहता है, नहीं आप सही हो, इसीलिए अब मैं अपने क्यूआई को रिवर्स में सर्कुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो चैन घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं माय लॉर्ड, प्लीज आप रुक जाइए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने क्यूआई से कंट्रोल को खो देंगे। पर आगे वो कुछ कर पाता तभी रेड उसे रोक देती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता जोंग के लिए। वही रेड अपने मन में सोच रही होती है, तुम नश्वर मूर्ख कहेंगे, तुम्हारा वो कमजोर ज्ञान और घमंडी आत्मा उसका अंत अब होगा। वैसे भी यदि कोई आत्मा अपने मास्टर को नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जब मास्टर खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाता है तो उन दोनों का बॉन्ड वह बिना किसी दिक्कत के टूट जाएगा। इसीलिए मॉन्क अब ऐसा लगता है कि हम जल्द ही आजाद हो जाएंगे और एक बार उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए, फिर मैं खुद के हाथों से उसके हजारों टुकड़े करूंगे। जबकि इस बीच हम लेडी सियाओ की ओर देखते हैं, जहाँ पर के उससे मिलने के लिए वही पिछले एपिसोड वाला डिवाइनरी आया होता है, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम जैक है। जो सुन लेडी सियाओ सोचती है, डिवाइनरी सिनमायो को मारे जाने के बावजूद भी उन्होंने उसके जैसे एक और को भेज दिया। उसकी आवाज को सुनते हुए लगता है कि वह एक जवान लड़की है, पर उसने सिनमायो के बॉडी को यहाँ पर वापस लेकर क्यों आया है? ये सब सोचते हुए वो उसके बारे में पूछने ही वाली होती है, उससे पहले ही वह डिवाइनरी सैक बताती है, मैं सिनमायो के लाश से एक रिवर्स स्पिरिट को भेजने वाले हूँ, जिससे मैं पता लगा सकूं कि आखिरकार किसने मेरे जूनियर को मारा है। बाद में मैं उसके पीछे एक इविल स्पिरिट को भेजूंगी। लेडी सियाओ जिसको सुन कहती है, क्या सिनमायो इस लड़की का जूनियर था? इतना सोचने के बाद वो कहती है, ठीक है आप जैसा चाहे कर सकती हैं। तो डिवाइनरी वहाँ से जाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, लॉर्ड जोंग वह निश्चित रूप से आज मरेगा। जिस पर लेडी सियाओ वो बताती है, ईमानदारी से कहूँ तो पहले तो मुझे आप पर भरोसा नहीं था, पर अब आपकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है मुझे आप पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जो सुन डिवाइनरी बताता है, चलो अच्छा है अब मैं इसे शुरू करने जा रही हूँ। इतना बोलते हुए वह अपने कुछ मंत्रों को पढ़ती है और फिर सिनमायो की बॉडी को देखते हुए अपने हाथों में एक खंजर लेकर उस पर कुछ भूतिया एंचेंटमेंट करते हुए काफी कुछ मंत्र पढ़ती है। बाद में उस खंजर को लेकर सीधे सिनमायो के अंदर धसा देती है, जिसके चलते हम कुछ ही समय बाद देख पाते हैं सिनमायो के बॉडी के अंदर कुछ तो होना अजीब शुरू हो चुका था। वहीं वह डिवाइनरी अभी भी अपने मंत्रों को नहीं रोकी थी, वह लगातार मंत्रों को पढ़ती हुई जा रही थी, जिसको देखते हुए ये लोग भी हैरान हो चुके थे, क्योंकि सिनमायो के बॉडी के अंदर में जो अजीब चीजें हो रही थी वह उसके हर एक छेदों को फाड़ता हुआ उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो चुका था और बड़े ही खतरनाक तरीके से उस बिल्डिंग से बाहर की ओर भागती है और सीधे अपने टारगेट जोंग की ओर जाना शुरू कर दिया होता है। इतने बेकार आभा को महसूस कर रेड भी चौंक चुकी थी, पर इससे पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्स कर पाती उससे पहले ही वे सारे के सारे इविल हाथ वो उसे सरपास करते हुए सीधे जोंग पर अटैक कर दिया होता है, जिसके साथ
सामने डिमर से जाते हुए जॉन को बचाता है, पर उस हाथों के पावर के कारण वह काफी ही पीछे तक धकेला जा चुका था, जिसको देखते हुए रेड सोचती है यह तो रिवर्स स्प्रिट है। दूसरी तरफ लेडी सियोक वो सोच रही थी क्या उस पर वह जितनी बार भी अटैक करेगी वह उतना ही लिटिल मॉन्स्टर जॉन को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हाँ तब तो यह सोचने से भी ज्यादा मजेदार है। तो चलो जितना हो सके उतना अधिक उसे स्टैब करो। वहीं इधर हम देख पाते हैं उस डिवाइनरी के बार बार स्टैब करने के कारण उन सारे हाथों को डिमन सेज के लिए रोकना वह मुश्किल होता हुआ जा रहा था, पर वह डिवाइनरी अभी भी नहीं रुक रही थी। वह लगातार बार बार स्टैब करते हुए जा रही थी, जिसके चलते वे सारे के सारे हाथ अब जॉन्ग तक पहुंचने भी वाली होती है। लेकिन इधर हम लेडी सियोक को देखते हैं, जो कि डिवाइनरी की इतनी बुरी तरह स्टैब को देखते हुए काफी ही मजे ले रही थी। और इस तरफ हम रेड को देखते हैं, जो कि इतने सारे हंगामे को देख अब परेशान हो चुकी थी और तुरंत ही अपने हाथों से एक अटैक करती है, जिसके चलते वे सारे के सारे हाथ एक ही बार में तबाह हो चुके थे। बाद में उन हाथों को भेजने वाले की ओर देखते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे दुस्साहस करने की और हमारे लिए एक बाधा बनने की, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इतना बोलते हुए वह इस बार जब अटैक करती है तो उसकी पावर काफी ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसकी वह ब्लड की पावर उस सभी हाथों को तबाह करता हुआ उस डिवाइनरी तक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, जिसे देखते हुए सभी हैरान थे। और लेडी सियोक कहती है, डिवाइनरी सियोक क्या आप ठीक हो? तो डिवाइनरी अपने थर थराते हुए हाथों को देखते हुए सोचती है, वह आखिरकार रिवर्स स्प्रिट का सामना कैसे कर सकता है, मैं जरूर किसी येलो स्प्रिट के पीछे नहीं हूँ। इतना सोचने के बाद वो कहती है, माय लेडी मुझे इस काम के लिए और भी अधिक पैसे चाहिए। जो सुन लेडी सियोक बोलती है, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? आखिरकार हुआ क्या है? तो डिवाइनरी खांसते हुए बताता है, आपने सही सुना, मुझे और पैसे चाहिए। मैं यह काम 1000 सिल्वर क्वाइन से नीचे नहीं करूंगा। जिस पर बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यह किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें 500 बोरी चावल खरीदने के पैसे दे चुके हूँ, पर फिर भी तुम 1000 बोरियों जितना खरीदने के पैसे मांग रहे हो। तो डिवाइनरी बताता है, हाँ क्योंकि हालात अब अलग हो चुके हैं, मैं इस काम को करके अपने लाइफ को खतरे में डाल रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से ही पैसे मिलने चाहिए। तो लेडी सियोक कहती है, क्या यह इतना खतरनाक हो चुका है? डिवाइनरी बताता है, हम एक हाई रैंक इविल स्पिरिट के खिलाफ हैं, जो कि येलो स्पिरिट से कहीं अधिक पावरफुल और खतरनाक है। शायद वह ग्रीन रैंक की स्पिरिट होगी, जिसको कि संभालना एक अनएक्सपीरियंस डिवाइनरी के लिए भी मुश्किल होता है। लेडी सियोक जिसको सुन कहती है, ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तो अपना काम ठीक से करना और इस बार उस मॉन्स्टर जॉन्ग से हमेशा के लिए निपटने के रास्ते को ढूंढना। तो वह डिवाइनरी बताती है, आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे स्पिरिट का रैंक होता है वैसे ही हर एक डिवाइनरी का अपना एक रैंक होता है, और मैं जी रैंक पर हूँ, जो कि डिवाइनरी सिनमायो के रैंक से 2 ऊपर है। पर लेडी सियोक तो उसे देखते हुए सोच रही थी, कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रही है, वह इतने जवान होकर आखिरकार सिनमायो का सीनियर कैसे हो सकती है। पर आगे वो कुछ बोल पाती उतने में उसके होश उड़ चुके थे। वह अपने पावर को बाहर निकालते हुए बताती है, मैं छाया भूत के 3 टॉप में से एक हूँ, जो कि इमाई मांगरियांग को कमांड करती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अब लॉर्ड जॉन्ग का बचना वह नामुमकिन है। उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी अब आप लोगों को अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बंदी ने अभी तक अपने पावर का बस 10% यूज की है। अगले एपिसोड में खतरनाक बैटल होने वाला है, जहाँ पर आप देखोगे रेड के पावर और जॉन्ग के नई अवेकनिंग पावर दोनों को ही। यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो अगला एपिसोड वो तबाही होने वाला है। रही बात कब आएगी एपिसोड, तो चिंता मत करो आप लोग, इस सीरीज के कुछ ज्यादा चैप्टर है नहीं तो मैं 2-3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर दूंगा, या फिर हो सकता है 1-2 एपिसोड उससे ज्यादा हो जाए, पर जल्द ही खत्म हो जाएगी। बाद में मैं एक नई सीरीज को लाऊंगा, क्योंकि यार मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सका। इतने सारे कमेंट भाई, आप लोगों ने तो तहलका मचा दिया है, इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। बस इसी तरह आप लोग साथ रही है, मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पर आप लोगों को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मिले। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो। स्टोरी मस्त है तो आप लोगों को मजा आएगा।